नमस्कार दोस्तों, कहानियों के इस पटल पर मैं शैली आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। परिस्थितियाँ एक ऐसी शय है जिसके आगे घुटने टेक कर इंसान अपने जीवन में कुछ ऐसे फैसले ले बैठता है जिसका साधारण मनस्थिति में वह विचार भी नहीं कर सकता। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति और उससे प्रेरित होकर लिए गए नायिका के फैसले का बड़ी ही खूबसूरती से चित्रण करती है। तो आइए सुनते हैं प्रगतिशील विचारों की धनी, सकारात्मक हृदय भाव से भरपूर डॉक्टर रजनी रंजना जी द्वारा रचित बेहद ही खूबसूरत कहानी महायज्ञ महादान। एक आकाशीय नील वर्णी लिफाफा मेज पर दबा पड़ा था। हस्तलिपि एकदम परिचित, काली इंक पेन से सुंदर अक्षरों में लिखे गए पते ने लिफाफे पर भेजने वाले का नाम न होने पर भी मानस में मधुरता के साथ उस नाम को अंकित कर दिया। मधुरिमा का पत्र था वह। किसी भूखे द्वारा झपट कर उठाया गया वह पत्र अरुणिमा का सुस्वादु व्यंजन से भरे थाल का आभास दिला गया। मधुरिमा अरुणिमा से लगभग 6 वर्ष छोटी बहन है। 14 वर्ष की वय में जब अरुणिमा का विवाह हुआ था, मधुरिमा भी लहंगे चुनरी में सजी सवरी नन्ही दुल्हन सी पूरे घर में फुदकती फिर रही थी। यानी एक ही घर में दो बालिकाएं वधु श्रृंगार में थीं। निर्धन विधवा माँ ने अपनी जीवन भर की अर्जित संपत्ति लगाकर 14 वर्षीय बालिका के लिए खोजा था उससे दूनी व्यय का युवक। 1 वर्ष पूर्व ही उसकी पूर्व पत्नी का देहांत हुआ था। घर में अब निसंतान आलोक और बूढ़ी माँ थे। दहेज रहित विवाह के अतिरिक्त अरुणिमा के निर्धन बेसहारा माँ को और चाहिए भी क्या था। कम से कम एक लड़की तो पार लगेगी, और लड़का 24 का लगता कहाँ है। सुंदर पढ़ा लिखा है, पिता का व्यवसाय संभाले है, दुकान छोटी ही सही पर है तो रोजी रोटी के लिए पर्याप्त थी ना। उम्र के साथ साथ व्यवसाय भी बढ़ेगा ही, सोचकर माँ ने पंडित जी से अपनी हाँ भिजवा दी थी। शहनाइयों की गूंज में फेरों के बीच मचली थी मधु। मैं भी दुल्हन हूँ, दीदी की तरह मैं भी फेरे लूंगी जीजा जी के साथ। बीच बीच में घुस आती ठुनकती देख आलोक ने उसे फेरों के बीच ही गोद में उठा लिया था। हाँ भाई क्यों नहीं, साली जी तुम तो आधी घरवाली हो। और दूसरे बड़ों के विरोध के बावजूद भी आलोक ने एक फेरा पूरा होने के 2 कदम पहले ही उसे गोद से उतार दिया था। नन्ही दुल्हन खुश होकर तालियां बजाने लगी थी। आज इतने दिनों बाद उसी नन्ही गुड़िया का खत आया है। अरुणिमा के चेहरे पर मीठी वात्सल्यमयी मुस्कान थिरक उठी। खत खोलकर पढ़ा। प्यारी दीदी, अगले मंगल को आ रही हूँ, कहीं जाना मत, बात करनी है। मधु। मंगल यानी आज ही तो? घर तो अकेले प्राणी का जैसा होता है वैसा ही हो रहा है। जहाँ जी चाहा सो लिए, जो चाहा खा लिया, बस पेट भरने जैसा। यूं भी आलोक की मृत्यु के बाद अरुणिमा को कुछ भी भला नहीं लगता। सावली को बुलाकर सामान की लिस्ट थमाकर वह घर की हल्की फुल्की सफाई में जुट गई। उसने सोचा कॉलेज नहीं जाएगी। पंखा डुगुर डुगुर चल रहा था, पसीने की चिपचिपाहट इतनी हवा से सूख नहीं सकती थी, इसलिए टेबल फैन भी चला लिया। टेबल पर रखा पंखा अपने अक्ष पर सिर हिला हिलाकर गर्म हवा परोस रहा था। मस्तिष्क अतीत के चक्कर लगाने लगा, पंखे की पंखुड़ियों की तरह। गर्मी की शिद्दत और पंखे की असमर्थता देखकर ही उसे अपनी पिछली जिंदगी याद हो आई। ब्याह के बाद अरुणिमा ससुराल आई तो ऐसी ही गर्मी थी। तब घर में टेबल फैन भी नहीं था। आलोक का इंतजार करती करती माँ के साथ ही बरामदे में सो जाती। आलोक दुकान से 10:30 बजे आता। तीनों खाना खाते, रसोई का काम निपटाकर फिर सासू माँ के साथ ही सो जाती। 1 सप्ताह बाद माँ ने उसे पग फेरे के लिए मायके बुलाया।
अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे मायके आए कि पता लगा कि आलोक माँ को अस्पताल ले जा रहे थे। टेम्पो रिक्शा टक्कर में माँ तो दुर्घटना स्थल पर ही दुनिया छोड़ गई। आलोक अस्पताल में भर्ती हैं। सास के दाह संस्कार की बात आई तो बेटे की जगह अरुणिमा ने खुद को प्रस्तुत किया। पड़ोसियों ने बहुत मना किया पर उसके दृढ़ निश्चय के आगे झुक गए। माँ को खोकर आलोक बच्चों जैसा अधीर हो गया। 14-15 वर्ष की उस बालिका ने अपंग टूटे जिद्दी बच्चे जैसे हो गए आलोक को संभालने में अपनी सारी शक्ति लगा दी। कभी अपने निचले अपंग शरीर की पीड़ा और कभी माँ के वियोग से आलोक पूरी पूरी रात से सकता रहता और पड़ोसी थाली लिए अरुणिमा खुद भी साथ से सकती रहती। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की पीड़ा समझकर अपने को संभालने लगे थे। अपनी माँ और मधु को भी अरुणिमा ने अपने पास ही बुला लिया। छोटी सी दुकान के सहारे किशोरी अरुणिमा ने अपंग पति, छोटी बहन और विधवा माँ का दायित्व अपने सुकुमार कंधों पर उठा लिया। आलोक अरुणिमा को दुकान का हिसाब किताब सिखाता, पत्नी और मधु दोनों को पढ़ाता। रात दिन संघर्ष करती जूझती अरुणिमा ने हाई स्कूल, इंटर और बीए प्राइवेट कर लिया। पति पत्नी साथ होते पर अतृप्त। दोनों के मन युवा कामनाओं से भरे तो होते पर प्रणय रथ खिंचता कैसे। इस रथ का एक पहिया टूटा और दूसरा अकेले चलने में असमर्थ था। अतः वह रथ लाख कोशिशों के बावजूद एक ही स्थान पर खड़ा चरमराता रहा। अंततः एक दिन गाड़ी का टूटा पहिया गिर गया। जीवन की पराजयों से हार मानकर आलोक ने जहर खा लिया। मधुरिमा स्कूल से लौटी तो अपने जीजा जी को उसने औंधे मुंह पड़ा पाया। दीदी दीदी चिल्लाती गिरती उठती किसी तरह दुकान तक भागकर अरुणिमा को सूचना दी। जब तक अरुणिमा घर पहुंचती उस पर दोबारा शमशान जाने की जिम्मेदारी आ पड़ी। अपना सब कुछ खोकर भी अरुणिमा को जीना पड़ा मधुरिमा और बेसहारा माँ के लिए। सर्टिफिकेट्स लेकर अरुणिमा स्कूलों के चक्कर लगाने लगी। बड़ी मुश्किल से एक प्राइमरी स्कूल में नौकरी मिली। दिन भर स्कूल प्रबंधक की भूखी भेड़िया निगाहों से कभी बचती कभी नुचती आत्मा लिए नौकरी करती। शाम से रात तक दुकान, रात मधु का होमवर्क कराती। यहीं तक सिमट कर रह गई उसकी दुनिया। खुद भी बीएड और एमए का फॉर्म भरा। बीएड में नाम आने तक एमए कर लिया और एक इंटर कॉलेज में शिक्षिका का पद पा गई। मधु भी इस वर्ष इंटर की परीक्षा दे रही थी। कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी। रहने खाने का सहारा हुआ तो दुकान बेचकर पूंजी बैंक में डाल दी। अभी उसे मधु का विवाह जो करना था। इंटर कॉलेज में उसकी एक कुलीग अनुराधा के सुदर्शन भाई सुजीत को देखकर अरुणिमा के कुंवारी धड़कने भी तीव्र हो जाती। प्यासी कामनाएं तृप्ति के लिए मचल उठती पर 24 वर्षीय अरुणिमा उन्हें संस्कारों के पिल्स देकर सुला लिया करती और फिर उस मौन कराह को सुनती रहती। क्या करे वह भी, नारी मन था, पूर्णता चाहता था, लेकिन अब क्या, सामाजिक मर्यादाओं का विरोध कैसे करे वह। फिर सुजीत अरुणिमा से छोटा भी तो है, सुंदर संस्कारी युवक। संस्कार, हाँ संस्कार ही तो है जिनकी रक्षा अब उसे भी करनी चाहिए। उसे भी सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना होगा और इन मर्यादाओं की रक्षा के लिए अपनी भावनाएं शव बना देनी होंगी और अंतिम संस्कार तक शव से सड़ांध ना उठे इसलिए बर्फ की शिला के नीचे दबा देना भी आवश्यक था। वैसे भी आलोक के बाद अब उसके लिए बचा ही क्या था, एक निर्मल सफेद आंचल। हाँ उसे तो वह बचा कर रखेगी ही। उसे तो मधु के लिए ही जीना पड़ा वरना आलोक के बाद जिंदगी बची ही कहाँ थी। मधु का नाम याद आते ही एक बिजली सी कौंधी थी। मधु सुजीत, मधु सुजीत के धन उसके मानस में गहराने लगे थे। उसे लगा मधु सुजीत
मानो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और सचमुच एक शाम अरुणिमा चांदी के कटोरे को चांदी के चंद सिक्कों और पीले चावल हल्दी धूप से भरकर अनुराधा के घर पहुंच गई थी। मेवे मिठाई के साथ मधु का बागदान कर आई थी। उस रात आंगन में ज्योत्सना बरसी थी। सोई हुई मधु का चेहरा चांदनी में नहा रहा था और उसका अपने आंसुओं से। पहली बार जानी थी उसने अपने हाथों पोषित किया किसलय तोड़कर कहीं और रोक देने की मधुर पीड़ा, और साथ ही अपने मन की गहराई में सुजीत के लिए पनपी एक स्वप्निल मीठी अनुभूति को दृढ़तापूर्वक कुचल देने की मौन कसक। मन ने कठोर संकल्प लिया था। उसने दृढ़ता से आंसू पोंछे, कान की लवे छूकर संकल्प लिया। अब नहीं सोचेगी वह इस तरह सुजीत के बारे में। मधु और सुजीत बने ही एक दूसरे के लिए हैं। दोनों की आंखों में उसने एक दूसरे के लिए एक अनकही सी चाहत देखी है। बारात आई, सजीला दूल्हा सुजीत उसे फिर तड़पा गया, पर विष का वह प्याला वह गटागट पी गई। यही गरल अब उसकी आदत बन गया। तब से आज 4 साल हो गए। हर तीज त्योहार माँ की तरह दोनों को बुलाती है, नेक न्योछावर के साथ उन्हें विदा करती है, सुजीत के माथे पर तिलक देती है। माँ के बाद मधु को माँ की ममता देती देती वह यह भूल ही गई कि कभी उसका प्रणयी मन जिंदा भी था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सांवली के पीछे मधुरिमा खड़ी थी। गोधूली में लौटकर अपने थान पर अपने बछड़े से मिलने को आतुर गैया से दौड़कर गले मिली। सुंदरी मधुरिमा का चेहरा देखते ही कलेजा कसक गया। 2 साल पहले जब मिली थी मधु तब तो ऐसी नहीं थी। क्या हो गया इसे? आंखों के नीचे गहरे काले निशान, पीला चेहरा। घबरा कर पूछा, सुजीत कहाँ है? तू अकेली कैसे? क्या हो गया है तुझे? बीमार है क्या? मधु के चेहरे पर पीड़ा भरी मुस्कान उभरी। ठीक हूँ अब तो। ना, ठीक तो नहीं है तू। क्या हुआ, बताती क्यों नहीं? जग से गिलास में पानी डालती हुई अरुणिमा ने पूछा। खुद को रोकती रोकती मधु की रुलाई फूट पड़ी। दीदी, पिछले बरस जब तुम वैष्णो देवी गई थी तब ट्यूमर के ऑपरेशन के समय मेरा गर्भाशय निकाल दिया गया था। हाँ तो अब तो ठीक है ना? अब क्या? ठीक हूँ, पर सास कहती है उन्हें बच्चा चाहिए। वह सुजीत का दूसरा विवाह कराना चाहती है। मधु के स्वर में आंसुओं की पूरी झील की नमी थी। शांत हो जा पगली, बेटे की दूसरी शादी वे कर ही नहीं सकती जब तक कि तलाक ना हो जाए। तलाक क्या इतना आसान है? और सुजीत क्या कहता है? आखिर वह भी तो कुछ कहता होगा। वे चुप है, कुछ नहीं कहते, ना हाँ ना ना, पर बच्चा तो उन्हें भी चाहिए ही। तो परेशानी क्या है? लाखों अनाथ असहाय बच्चे हैं, हम कोई बच्चा गोद ले लेते हैं। पर यही तो समस्या है दीदी, वे दूसरे का बच्चा अपनाना नहीं चाहती जिसके कुल खानदान संस्कार का कोई पता ना हो। क्या करूं दीदी, सास तो अन्न जल त्यागे बैठी है। कहती है शादी कर ले, कौन सी सरकारी नौकरी है जो छूट जाएगी। पागल, सुजीत कुछ तो कहता होगा, उसे बुला, बात करूं उससे। सुजीत दूसरे ही दिन शाम को आ गया। उसका चेहरा उतरा था। माँ के अन्न जल त्याग के जिद के आगे पराजित सा अरुणिमा ने धिक्कारा तो लगभग रो ही पड़ा। मैं मधु को तलाक नहीं दे सकता अमा। विवाह के पहले से ही सुजीत अरुणिमा को अमा ही कहता रहा, इसी से संबोधन नहीं बदल सका था। उसने भी अपनी अमावस्या नियति देखकर बड़ी आत्मीयता से यह संबोधन स्वीकार कर लिया था। विश्वास करो मेरा, मधु मेरी जिंदगी है, तुम्हारी अमानत है मेरे पास, और यह अन्याय मैं मधु या अपने साथ नहीं कर सकता। पर माँ को क्या कहूँ, वे तो कहती हैं मैं तेरी मधु को छोड़ने को नहीं कह रही। जानती हूँ तू मधु से बहुत प्यार करता है, इसीलिए किसी गरीब बेसहारा लड़की से शादी कर ले। ये क्या बात हुई माँ की? यही तो, अब माँ को कौन समझाए अमा? लड़की चाहे गरीब हो या अमीर,
एक बार जो अधिकार मैं स्वेच्छा से उसे सौंप दूंगा, क्या वह बार बार नहीं चाहेगी? मैं क्या करूं अम्मा, तुम ही इस अंधेरे में जुगनू सी दिखी हो। रास्ता ना दिखाओगी तो डूब जाऊंगा, माँ का हत्यारा बनूंगा सो अलग। सुजीत जाओ, माँ से कहो वे खाना खाए, पोता तुम उनकी गोद में साल भर में डाल दोगे। पर कैसे दीदी? मधु और सुजीत दोनों चौंके थे। अभी नहीं जानती मैं, पर इस समय माँ की प्राण रक्षा के लिए यह आश्वासन जरूरी है। इस विषय पर बाद में सोचेंगे। मधु सुजीत के जाते ही घर में सन्नाटा पसर गया। अरुणिमा कॉलेज गई, जाना जरूरी था। आज वाद विवाद प्रतियोगिता थी, विषय भी अजीब था, आधुनिक युग में नियोग की सार्थकता। पक्ष विपक्ष में बालिकाएं बोल रही थी। स्कूल की मेधावी छात्रा माधवी पक्ष में बोल रही थी। सभी को ज्ञात है कि संस्कार शिशु में गर्भावस्था से ही बनने लगते हैं। पूरा युग जनसंख्या वृद्धि का युग था, वंश वृद्धि के लिए निरंतर सार्थक प्रयोग किए जा रहे थे। ऐसे में यदि घर का मुखिया अक्षम होता तो धरती पर श्रम करने, कृषि कार्य करने के लिए अधिक हाथ मिल सके, इसलिए जनसंख्या वृद्धि आवश्यक थी। माना कि आज जनसंख्या वृद्धि समाज की आवश्यकता नहीं रही, किंतु तब 9-10 पुत्रों में से यदि एक पुत्र अयोग्य होता तो अन्य मिलकर उसे संभाल लेते थे। जबकि आज जब समाज को अधिक संतानों की आवश्यकता नहीं, हर दंपत्ति से केवल एक या दो संतानों की अपेक्षा की जाती है, तो ऐसे में नैतिक व चारित्रिक रूप से सबल संतान की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ जाती। तो यह आवश्यक है कि एक या दो जितनी भी संतानें हो, सुसंस्कृत, मेधावी और सदाचारी हो। सोचिए, यदि ना होती नियोग प्रथा तो क्या दशरथ के पुत्रों जैसे प्रतिभावान, वीर, मर्यादित राजकुमारों से समाज वंचित न रह जाता? त्रेता में युग पुरुष राम, द्वापर में अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर ना होते, तब क्या बौनी होकर ना रह गई होती हमारी आर्य संस्कृति? आज फिर इतिहास का वही पृष्ठ पलटकर लौटा है। आज के रावणी दुर्योधनी युग को वैसे ही चरित्रवान, वीर, कुशाग्र, मेधावी संतानों की आवश्यकता है। बल्कि मैं तो कहूंगी कि आज सुसंस्कृत संतानों की आवश्यकता अधिक है, जबकि समाज में चारित्रिक विघटन अपनी चरम सीमा पर है। अतः मेरा मानना है कि आज भी विशेष परिस्थिति में नियोग की सार्थकता है। मानती हूँ कि अनुवांशिकता और परिवेश दो तत्व हैं जो बालक में सच्चरित्रता का संचार करते हैं, किंतु परिवेश मुख्य नहीं, मुख्य है अनुवांशिकता। अनुवांशिक रूप से मिले सद्गुण ही बालक को परिवेशगत पतन से रक्षित रख सकते हैं, अन्यथा पारिवेशिक दुर्गुण हठीले चुंबक की तरह सहज ही आकर्षित कर लेते हैं और बालक की चेतना को भीगी मिट्टी की भांति अपने आकार में कभी भी कहीं भी ढाल लेते हैं। अरुणिमा आगे नहीं सुन सकी, मंथन चलता रहा। मधु सुजीत की संतान के लिए वह स्वयं को प्रस्तुत करेगी। उनकी संतान को गर्भावस्था में सारे सद्गुण, सारे संस्कार देगी। सारी रात माधवी के शब्द टेप की तरह उसके मानस में बजते रहे। मधु, अपनी प्यारी मधु की खातिर यह विष चषक भी सही। उसने एक संकल्प लिया। सवेरे मधु सुजीत को बुलाया, तीनों में वार्ता हुई। टप टप सुजीत के आंसू गिर रहे थे। पुत्रेष्ठी यज्ञ की तैयारी हुई। उस यज्ञ में पुरोहित डॉक्टर संजना, आहुतिकर्ता मधु सुजीत और यज्ञ वेदी के रूप में अरुणिमा प्रस्तुत हुई। साक्षी बनी अनुराधा। डॉक्टर संजना ने अनेक परीक्षण करके लगभग 2-3 माह बाद चिरकुमारी अरुणिमा के क्षेत्र से सुजीत के बीच के अंकुरण की शुभ सूचना दी। देवताओं ने यज्ञ वेदी में डाली हुई आहुति को स्वीकार किया था। तीनों पूरी रात शरीर से आत्मा तक अमृतमय आंसुओं में डूबे रहे थे। अरुणिमा की ममता आकार पाने लगी थी। सवेरे मधुरिमा को एक सुमधुर मुस्कान के साथ अरुणिमा ने विदा करते हुए कहा, 5वें माह से तू मेरे पास रहेगी और नन्हा शिशु लेकर ही सास के पास जाएगी। और सचमुच ही
पांचवें माह में मधु आ गई। अनुराधा ने शिमला की सुरम्य वादियों में उनके रहने की व्यवस्था की। प्रख्यात अस्पताल के सुयोग के डॉक्टर टीम की देखरेख में अरुणिमा ने महायज्ञ का प्रसाद पाया। मधु सुजीत ने उस महायज्ञ के महाप्रसाद और चांदनी बरसाते चांद के उस जीवंत पुतले को पालने से उठाकर अमा की गोद में धीरे से सुला दिया और अमा ने अपने अंग से चांद को निकालकर सहर्ष बड़े दुलार से मधु सुजीत की अंधेरी गोदी में डाल दिया। दुग्ध धवल आंचल पर एक भी दाग नहीं था। खिड़की से छनकर आती धूप अमा के पीले चेहरे को स्वर्णिम और तेजस्वी बना रही थी। महादानी स्वाभिमानी अरुणिमा दसवें दिन ही फिर सुजीत के माथे पर माँ बनी ममता में भिगोई हुई रोली आजकर दोनों को विदा कर रही थी। मधु सुजीत अपने पूरे जीवन की कृतज्ञता के साथ उसके पैरों में झुके थे। आशीष स्वरूप अरुणिमा ने एक बार फिर अपने चांद को कलेजे से भींचकर सजल आंखों और पुलकित मन से मधु के आंचल में डाल दिया। उन्हें विदा करके निढाल हुई अरुणिमा को अनुराधा ने संभाल लिया और उसकी पूरी देखभाल और स्वस्थ होने तक की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। बेहद कमजोरी के बावजूद अरुणिमा आज खुश है। बासंती समीर और लाखों लाख इंद्रधनुषी पुष्पों से सजी धरा आज शिमला को ममता में भिगोकर मग्नमय जैसे नृत्य कर रही है। अद्भुत कहानी, कल्पनातीत लेकिन समसामयिक यथार्थ से साक्षात्कार कराती अविस्मरणीय कहानी। लेखिका द्वारा न जाने कितने वर्षों पहले लिखी ये कहानी आज मेडिकल साइंस के इस चमत्कारी प्रयोग के द्वारा लाभान्वित ऐसे ही कितने दंपतियों के जीवन में चांदनी बिखेर कर उनके दाम्पत्य जीवन को सार्थक करने के इस महान विषय को साकार करती है। इसी के साथ आज विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी कुछ ऐसे ही दिल को छू लेने वाले विषयों और दिलचस्प किरदारों के साथ। कहानी और प्रस्तुतिकरण पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचारों और सुझावों से हमें ऐसे ही अवगत कराते रहें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार।